राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं रविवार व्रत कथा। रविवार यानी सप्ताह का पहला दिन यानी भगवान सूर्य देवता का दिन। इस दिन भगवान सूर्य देव के लिए व्रत रखने से और उनका विधिवत पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति आती है और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए भी रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान सम्मान धन यश और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है उसे और कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी यह व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। एक वृद्धा थी, वह हर रविवार सुबह गोबर से घर को लीप कर शुद्ध करती थी, स्नान करती थी, फिर भगवान का पूजन करती थी और भगवान को भोग लगाती थी। उसके बाद ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। इससे उसे भगवान की कृपा प्राप्त थी। उसे किसी भी प्रकार की दुख या तकलीफ नहीं थी और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी पड़ोसन जिसके यहाँ से वृद्धा गोबर लाती थी, उसे उससे ईर्ष्या होने लगी और उसने अपनी गाय को घर के अंदर बंद कर दिया ताकि वृद्धा गोबर न ले जा सके। अगले रविवार गोबर न मिलने के कारण वृद्धा अपने घर को लीप नहीं पाई, जिसके कारण न तो वो पूजा कर पाई, न भोजन बना सकी, न भोग लगा सकी, जिसके चलते उसने खुद भी भोजन नहीं किया। रात को वो भूखी ही सो गई। उसे सपने में सूर्यदेव दिखे और सूर्यदेव ने उनसे पूछा कि आपने भोग क्यों नहीं लगाया। तब वृद्धा ने बताया कि गोबर न मिल पाने के कारण वह भोग नहीं लगा सकी। इस पर सूर्यदेव बोले, हे माता, तुमने हर रविवार पूरा घर गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाया और उसके बाद ही भोजन किया। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर उनके दुख दूर करता हूँ, अतः मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करने वाली एक गाय दे रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब वृद्धा की आंखें खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। ये देखकर वृद्धा बहुत खुश हुई। उसने गाय और बछड़े के लिए चारे की व्यवस्था कर दी। जब पड़ोसन ने वहाँ गाय और बछड़ा देखे तो उसे बहुत जलन हुई। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह चुपचाप जाकर सोने का गोबर उठा लाई और उसने उसकी जगह अपने गाय का गोबर रख दिया। इस तरह वह रोजाना वृद्धा से नजरें बचा करके सोने का गोबर ले जाने लगी। अपने भक्त के साथ चालाकी होते देख भगवान ने जोर की आंधी चला दी। डरकर वृद्धा ने गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। सुबह गाय ने सोने का गोबर दिया तो वह आश्चर्य में पड़ गई और रोज गाय को अंदर ही बांधने लगी। इस पर उसकी पड़ोसन तिलमिला गई। उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने ईर्ष्यावश राजा को शिकायत करके कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ राजा के पास होनी चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा की देखभाल करता है, बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी। तब राजा ने अपने सैनिकों को उस गाय को लाने का आदेश दिया। वृद्धा सुबह भगवान को भोग लगाने के बाद जैसे ही भोजन करने लगी, राजा के सैनिक वहां पहुंच गए और गाय और बछड़े को ले गए। वृद्धा बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, पड़ोसियों से मदद की गुहार की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वृद्धा दिन भर गाय के वियोग में रोती रही और वह भोजन भी ना कर पाई। रात में भूखी प्यासी भगवान से गाय को वापस करवाने की प्रार्थना वो करती रही। राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी खुशी गायब हो गई जब उसने पाया कि सुबह दुर्गंध से सारा महल भर गया है। राजा ने सारा महल बदबूदार गोबर से भरा हुआ देखा तो वह घबरा गया। रात को सपने में आकर भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, वृद्धा के रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे ये गाय दी थी। गाय उस वृद्धा को वापस लौटाने में ही तुम्हारी भलाई है। सुबह राजा ने वृद्धा को बुलवाकर सम्मान सहित गाय बछड़ा वापस किए और साथ में बहुत सारा धन दिया तथा अपने कार्य के लिए क्षमा मांगी। राजा ने ईर्ष्यालु पड़ोसन को बुलवाकर दंडित भी किया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी और बदबू दूर हुई।
उस दिन राजा ने नगरवासियों को राज्य की समृद्धि और समस्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए रविवार का व्रत करने का आदेश दिया। रविवार का व्रत करने से बीमारी और प्रकृति के प्रकोप से बचे रहकर नगरवासी सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी रविवार व्रत कथा। नमो नारायण।